अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ। तो जी आज मैं भी ठीक नहीं थी, आज मेरी और यासीन हीटर के आगे बैठे हुए हैं और हीटर देखिए हमने जला लिया है और आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। सर में अजीब सा दर्द हो रहा है और कल भाई और भाभी आए थे और काफ़ी लेट आए थे। बस मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर सकी उनका के वो क्या कहते हैं कि वो आए लेट आए थे और जल्दी चले गए। तो बस मैं मेरे पास टाइम शॉर्ट था और मैं उनको खाना देने में और उनके साथ थोड़ी देर बैठने में बस मेरा टाइम मुझे मिला ही नहीं कि मैं अपनी आप लोगों के लिए ब्लॉग बना सकूँ। तो अभी यासीन ने खाना खाया, आज मैंने खाना नहीं बनाया, काफ़ी बिज़ी रही हूँ आज का सारा दिन मैं। और बिज़ी कुछ ऐसा था कि मैंने आज क्या किया है, थोड़े से कपड़े धोए। कपड़े तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, ये तो एक दिन का बात ही नहीं है। कपड़े धोए हैं और उसके बाद एक मेरी फ्रेंड आ गई थी उसके साथ बैठी रही थोड़ी देर और फिर उसके बाद बस ऐसे छोटे मोटे काम दिन के समझ ही नहीं आई। और खाना मैंने कोई नहीं बनाया, आटा गूंथ लिया था और अभी खाना या सीन का कोई कहते मज़ा नहीं आया। अब हमने बाहर से कुछ ऑर्डर किया है तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या ऑर्डर किया हमने। ऑर्डर आता है तो और मिठाई पड़ी हुई थी जो हम खा चुके हैं और कुछ खाई है। और मेरी फ्रेंड को ना कुछ ज्वेलरी चाहिए थी, आपको बताया था कि उसकी कज़न फैमिली में शादी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसको क्या क्या देने वाली हूँ और फिर सुबह आएगी अभी कुछ नहीं सकते। देखो एक ही सेट है और इसके साथ एक ये वाला हार है, ये देखो एक ये वाला है और जो उसको चाहिए होगा तो मैं भिजवा दूँगी। कुछ ये वाला कुछ ना ऐसा पेंडेंट ऐसा गोल सा कुछ ऐसा नज़र आता है, कुछ ऐसा है और ये वाले इयररिंग्स, ये देखो और ये एक आपको दिखाती हूँ। ये एक ना ये इसके साथ ऐसे इयररिंग्स यहाँ पे रख के दिखाती हूँ, ये उसके साथ है, इसके साथ है ये वाले और ये वाले सिंपल से छोटे से झुमके। तो उसको चाहिए थी तो मैंने से कहा था मत खरीदना कि मैं आपको दूंगी ना। तो कुछ मेरे पास थी कुछ मैंने ये देखी ये झूमर ये कुछ ऐसा है और ये क्या था, हाँ ये गले की माला है, ये गले की माला है कलरफुल मल्टीस कलर में। और ये क्या है, ये गले क्या, ये भी गले का है कुछ कुछ ऐसा है ये उल्टा ये कुछ ऐसा ये ऐसा और ये भी है कुछ गले का है, नहीं ये इयररिंग्स हैं, ये इयररिंग्स हैं, इसको भी मैं यहाँ रखती हूँ छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से। ये इसके साथ है, ये इसके साथ इयररिंग्स हैं
और ये मैंने सारी ज्वेलरी निकाली है, कुछ ये भी गले की चेन है, आई थिंक ऐसे ही है, और ये है, और ये रिंग है, ये रिंग कुछ ऐसी है, ये रिंग कुछ ऐसी है। और ये थी फ्रेंड के लिए जो मेरी ज्वेलरी मंगवाई थी और आप लोगों को दिखाई है, तो सुबह आएगी तो मुझे कहती थी मुझे तैयार भी कर देना, और ये ज्वेलरी भी मेरे उसके लिए ले रही। तो अभी हमारा ऑर्डर आता है तो मैं आप लोगों को ऑर्डर दिखाती हूँ क्या मंगवाया है, और टाइम काफ़ी ज़्यादा तो नहीं हुआ, 9 हो गए और समझ ही नहीं आई, ठंड इतनी ज़्यादा है आज। ये अलग अलग मैंने पैकेट बनाए हैं, इसमें पेंडेंट रखे हैं, और मेरी ज्वेलरी ना इनबॉक्स में भी बहुत सारी पड़ी हुई है, और मेरी बेडशीट कैसी है मुझे बताएं, ये इतने बड़े बड़े फ्लावर्स वाली, और ये भी मुझे गिफ्ट मिले थे, और कल मैं अपने भाई और भाभी से आप लोगों को नहीं मिलवा सकी तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलवाऊंगी। तो चीज़ें थी तो चलें आप लोगों को दिखा दूँ, तो ये चीज़ें मुझे बताइएगा कि तो अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया, अभी ऑर्डर वाला आता ही होगा। हमारा आज ना बाहर जाने का प्लान था, तो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी आज, तो बस मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब होगी तो इसलिए फिर मैं नहीं गई हूँ। तो बस मैंने यसीन को कहा कि यसीन जाना था, और ये भी एयर रिंग्स थे, और ये वाले भी एयर रिंग्स हैं, ये वाले एयर रिंग्स, ये कुछ ऐसे हैं, गोल्डन शैम्पेन कलर का ये, और ये कुछ ऐसे हैं, तो गाइस हमारा ऑर्डर आया है और यसीन नीचे लेने गए हैं, और वो दरवाज़े के पीछे आपको मैंने ना हैंग किया हुआ है, ये है एक पॉकेट इसके बने हुए हैं हैंग करने के लिए, इसमें आप जूते और सॉक्स सॉरी तो इसमें आप अपना कुछ भी रख सकते हैं, और देखें ज़रा, और फिर इसमें अलग अलग से कितने, एक साइड पे 5 पॉकेट्स एक तरह साइड पर है और 5 एक साइड पर है, तो टोटल 10 पॉकेट्स हैं इसमें, और आप इसमें 10 चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जिनके 10 जूतों को जोड़ो कर कोई भी आपकी अपनी चीज़ें हैं आप इसमें आराम से आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। बड़ा फ़ायदा है, बड़ा सुख है इसका, जो चीज़ मुझे चाहिए होती मुझे आसानी से मिल जाती है। तो आज हमने हीटर लगाया था, तो आज मुझे ना काफ़ी ठंड लग रही थी, और आज हमारे ऊपर वाले नेबर्स थे मानो लोग, वो भी आज चले गए, और बस आज मैं काफ़ी सारी उनके साथ अटैचमेंट हुई थी, बच्ची थी आती जाती थी मेरे साथ, और बस इसलिए थोड़ा सा ना था कि आज थोड़ी सी सैड भी थी उनकी वजह से, तो चलो क्या कह सकते हैं, अब हर किसी की मजबूरी है, और क्या कह सकते हैं, किराएदार बेचारे ऐसे ही होते हैं, बस कभी कहीं तो कभी कहीं, चले जहाँ भी रहे खुश रहें, कोई नहीं, अच्छा वक्त गुजरे उनके साथ। तो हमारा ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर में हमारा आया है शॉर्मा और हमारा जिंगर बर्गर विद विंग्स, और ये मेरा चिकन शॉर्मा, और ये बर्गर अंदर से कुछ ऐसा है चीज़ वाला। तो किस किस को पसंद है बर्गर मुझे बताएं, और शॉर्मा भी किस किस को पसंद है। तो मैंने दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, तो मैंने कहा चले मैं यसीन के लिए आज, क्योंकि इन्होंने भी सही खाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं था, तो इनके लिए फिर मैंने खाना बनाया ही नहीं है। तो
ये है जी मेरा शॉर्मा और ये मेरा बर्गर और ये शॉर्मा। और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी वीडियो की हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैंने कहा चले आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाए क्योंकि आज मेरा सारा दिन ब्लॉग आप लोगों को नहीं मिला, तो इसी तरह कोई नई नई चीज़ें आपको कुछ फीडबैक देती रहूँगी अपनी लाइफ के बारे में और भी कुछ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह अगर कल बाहर गई तो ज़रूर आप लोगों के साथ एक अच्छा व्लॉग्स बनाऊँगी। और प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें क्योंकि हम नए यूट्यूबर हैं, न्यू ब्लॉगर हैं, तो इसलिए आप हमें नए नए आइडियाज़ बताइए कि हम आप लोगों के लिए कैसे वीडियोज़ बनाएं। तो एक मिनट। और गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग चिकन शॉर्मे पे और बर्गर पे, और तबीयत भी ठीक नहीं और आज कुछ पकाया ही नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।